क्या व्हाट्सएप के माध्यम से भारतीय पत्रकारों की जासूसी कराई जा रही है? कुल मिलाकर यह पूरा मामला इस समय तूल पकड़ गया है। बताया जाता है कि भारतीय पत्रकारों सहित दुनिया भर में 1400 लोगों की जासूसी की जा रही थी। भारतीय पत्रकार अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी सहित कई पत्रकारों ने भी यह कहा है कि उनकी व्हाट्सएप से जासूसी हो रही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सरकार भी निष्ठा से दखल के लेकर चिंतित है और उसने व्हाट्सएप से 4 नवंबर तक जवाब मांगा है। व्हाट्सएप के अनुसार यूजर्स के फ़ोन में मालवेयर डालने के लिए वीडियो कॉलिंग फीचर का इस्तेमाल किया गया था। 1400 यूजर्स के प्रभावित होने की पुष्टि के बाद व्हाट्सएप ने इन्हें मैसेज भेजकर साइबर हमले की सूचना दी है। वकील निहाल सिंह राठौर, एक्टिविस्ट बेला भाटिया, डिग्री प्रसाद चौहान और पत्रकार सिद्धांत सिंबल ने व्हाट्सएप से संदेश मिलने का दावा किया है। इधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया। पार्टी ने कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेकर केंद्र को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा है कि पत्रकारों और विपक्षी नेताओं की जासूसी करने वाली सरकार नेतृत्व का अधिकार खो चुकी है। उन्होंने सवाल किया, किस एजेंसी ने यह स्पाई वेयर खरीदकर इस्तेमाल किया? इधर सरकार ने भी व्हाट्सएप से पूछा है कि करोड़ों भारतीयों की निष्ठा की रक्षा करने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सरकार नागरिकों की निष्ठा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रहित में इंटरसेक्शन के लिए एजेंसियों के नियम बेहद सख्त हैं, इसके लिए उच्च स्तर पर इजाजत लेना पड़ती है। इधर व्हाट्सएप ने भारत में जासूस से प्रभावित लोगों की सही संख्या बताने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने कहा कि उसने मई में एक अत्यधिक परिष्कृत साइबर हमला रोका था। इसी माह भारत में लोकसभा चुनाव था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।